और मुंगेर में आगामी 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली दुर्गा पूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर पूजा की तैयारियों, भीड़ नियंत्रण, विसर्जन की तैयारियों, रावण वध की तैयारी व पूजा समिति, शांति समिति और सभी प्रशासनिक अधिकारियों, थाना के एसएचपी के साथ मुंगेर एसडीएम शैलेश कुमार सिंह व एसडीपीओ राजेश कुमार ने विचार विमर्श किया, तो बैठक में सभी लोगों ने सुझाव दिए और कुछ मांगे भी रखी। वहीं पदाधिकारियों ने बैठक में मौजूद शांति समिति के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने का अनुरोध किया। साथ ही एसडीएम व एसडीपीओ ने कहा कि शहर की सड़क, बिजली की समस्या, पेड़ पौधे की कटाई आदि के बारे में अविलंब जानकारी मुहैया कराए ताकि समय पर उन्हें दुरुस्त कराया जा सके। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जो है विधि व्यवस्था के बिंदु पर और पूजा की तैयारियों पर, भीड़ नियंत्रण पर तथा विसर्जन की तैयारी, रावण वध की तैयारी पर पूजा समिति, शांति समिति और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, विशेषकर सभी एसएचओ के साथ एक प्रारंभिक विचार विमर्श की गई है और सभी लोगों ने कुछ कुछ सुझाव बताए हैं और कुछ कुछ मांगे भी समिति ने रखी है, तो उस पर हम लोग विचार करके पुनः एक बार फिर से बैठक करेंगे।